दोस्तों क्या बागी 3 होगी री रिलीज? जैसे कि यहाँ कोरोना की वजह से फिल्मों को काफी ज्यादा नुकसान होता दिख ही रहा है, खासकर यहाँ जो फिल्में हाल ही में रिलीज हुई जैसे कि बागी 3 और अंग्रेजी मीडियम। ऐसे में दोस्तों अंग्रेजी मीडियम को तो फिर से री रिलीज करने का मन बना ही लिया गया है, क्योंकि यहाँ अंग्रेजी मीडियम के रिलीज के एक दो दिनों बाद ही इंडिया के लगभग सारे थिएटर्स को बंद कर दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ जैसे कि बागी 3 जो कि इस साल की सबसे बड़ी एक्शन फिल्मों में शामिल थी, और यहाँ बागी 3 ने अपने पहले वीक में ही धूम मचाते हुए 100 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर डाला, और वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन तो 100 करोड़ से भी काफी ज्यादा रहा। लेकिन जैसे कि यह फिल्म 150 करोड़ तक आराम से जा सकती थी, हालांकि यह कोरोना की वजह से थिएटर्स को शटडाउन कर दिया गया और बागी 3 का कलेक्शन रुक गया। ऐसे में दोस्तों एक बार फिर से थिएटर्स के खुलने के बाद बागी 3 को फिर से री रिलीज किया जा सकता है, और इसमें बागी 3 एक बार फिर से हंगामा मचाते हुए अपने कलेक्शन को दुगना भी कर सकती है। और जैसे कि यहाँ पर मूवी क्रिटिक्स रोहित जायसवाल हमें कहते दिखे कि टाइगर के स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 को भी रमजान की वजह से काफी नुकसान हुआ था, और वहीं अब टाइगर के बागी 3 को भी कोरोना की वजह से लगभग 40 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हो गया है। और इसमें रोहित आगे कहते दिखे कि ऐसे वक्त में 100 करोड़ के करीबन कलेक्शन कर लेना बहुत बड़ी बात है। और इसमें टाइगर रोहित को रिप्लाई करते हुए कहते दिखे कि उम्मीद है कि हम फिर से फिल्म को री रिलीज करेंगे। ऐसे में दोस्तों बागी 3 एक बार फिर से रिलीज हो सकती है, और यह बागी 3 का हंगामा हमें एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। दोस्तों क्या आप भी बागी 3 को एक बार फिर से थिएटर्स में देखना चाहेंगे? हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही और बॉलीवुड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।